हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अविनाश में। दोस्तों, आजकल जीमेल जो है हर फोन पीसी लैपटॉप के लिए ज़रूरी है, और दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं अपना फ़ोटो कॉन्टैक्ट ये सब जो है जीमेल पे ही सेव रखते हैं। ऐसे में दोस्तों जीमेल का जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी आप अलर्ट नहीं रहते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाए, और जिसके कारण दोस्तों आपका डाटा यहाँ पे लीक हो सकता है। और दोस्तों हैक के अलावा भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे लैपटॉप या पीसी या दूसरे किसी फ़ोन में अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हैं, और दोस्तों किसी कारणवश जो है उसको अपने जीमेल अकाउंट को जो है लॉगआउट करना भूल जाते। ऐसे में भी दोस्तों वहाँ पर जो है आपका डाटा लीक होने का काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर डर रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जीमेल जो है कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, और आप खुद से अपने फ़ोन से ही उस लॉगिन अपने जीमेल अकाउंट को लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, ताकि जो आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का कोई भी प्ले स्टोर या जीमेल या दोस्तों आपको गूगल ओपन कर लेना है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अपना गूगल ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर आपका जो भी जीमेल लॉगिन होगा उस वो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको उस पर टाइप कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से डिवाइस में लॉगिन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, और वहाँ पे दोस्तों आपको अपना जो भी जीमेल होगा आपको उसको अपना पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना गूगल अकाउंट खोल लेना है। और अगर दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से इस पर टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप मैनेज योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके आपका गूगल अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपका सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेकअप का एक टैब ओपन हो जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे प्रोटेक्ट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा योर डिवाइस का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में स्क्रॉल वाले ऑप्शन पर यहाँ पे टैप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जिस भी फ़ोन में जो है लॉगिन होगा आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ऑनर एटेक्स में जो है फिलहाल ये जीमेल लॉगिन है। यहाँ पे आप दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपका जीमेल जो है किसी और डिवाइस में लॉगिन है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ पे नीचे एक देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे है टू सिंगिन इन डिवाइस, तो सिंपली आपको इस पे टैप करना है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टैप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो कौन सा दोनों डिवाइस है जहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट जो है यहाँ पर लॉगिन है। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पे ऑनर एटेक्स में है, इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो है Redmi 6 में जो है ये ईमेल यहाँ पे लॉगिन है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी डिवाइस से जो है अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको सिंग आउट यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट जो है कौन कौन से डिवाइस में लॉगिन है, और यहीं से आप अपने फ़ोन से ही आप उस डिवाइस से लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह टिप्स आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हमारे जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।